और अब बात एक और पति पत्नी के बीच आई दूरियों की। अंकिता की नरेन शादी कर रहे हैं और अपने ही पति नरेन की शादी में पहुंच रही हैं अंकिता। अब भाई ऑन स्क्रीन अंकिता काफी टेंस तो नजर आ रही हैं, लेकिन मामला इंटरेस्टिंग और भी तब हो गया जब ऑफ स्क्रीन शो के डायरेक्टर ने अंकिता को फटकार लगाई। यह है पवित्र रिश्ता का सेट। पवित्र रिश्ता यानी वो सीरियल जहाँ चलता रहा है शादियों का सीजन। इस सीरियल में आए दिन जुड़ता ही रहता है किसी ना किसी का पवित्र रिश्ता। ऐसे ही शादी का माहौल एक बार फिर दिखाई दे रहा है, जहाँ अंकिता के पतिदेव नरेन दूल्हे के लिबास में सजे अपनी गर्लफ्रेंड परी के साथ शादी के मंडप में बैठे नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई तो पता नहीं, मेरी बहुत ज्यादा शादियाँ होती है। दिस इज माय सेकंड मैरिज नाउ। फाइनली अपनी आहाना से शादी कर रहा हूँ, जो कि परी है। शादियों की स्पीड की तरह ही यहाँ ट्विस्ट भी कुछ ज्यादा ही स्पीड में नजर आते हैं। अब देखिए ना, यहाँ अपने ही पति की शादी में शामिल होने उनकी पत्नी अंकिता और उनकी मॉम अर्चना भी आई हैं। हाँ, यही तो फनी पार्ट है और यही आई थिंक ऑडियंस का दर्द जो है, पेन जो है, वो अंकिता के थ्रू कन्वे हो रहा है कि वो वाइफ अपने हस्बैंड की शादी करवा रही है अपनी उसकी गर्लफ्रेंड से। ऑफ द कैमरा तो हम बहुत पागलों की तरह हंसते ही हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी हैव अ वाइब हियर जहाँ पे हम सब साथ हो जाते हैं। अगर तीन चार लोग तो हंसते रहते हैं फिर। लेकिन इस बार अंकिता की ये बेवक्त हंसी शो के डायरेक्टर साहब को कुछ रास नहीं आई। इस इमोशनल सीन को शूट करते वक्त मैडम इस कदर हंस रही थी कि टेक पर टेक लेने पड़ रहे थे। और उनके इस बिहेवियर ने डायरेक्टर को इतना इरिटेट कर दिया कि डायरेक्टर ने उन्हें सबके सामने डांट लगा दी। माना अंकिता कि शो के जल्द ही बंद होने की खबर के बाद आपको शो में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने काम को सीरियसली ना लें। तो चलिए अब हंसना वसना छोड़ इस ड्रामेटिक सीन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वरना कहीं डायरेक्टर के साथ साथ आपको बाकी को स्टार्स के गुस्से का सामना भी ना करना पड़ जाए।